नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट साहब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत से ट्रेडर्स मुझे आकर पूछते हैं कि बाजार के जो मीन रिवर्जन होता है उसे आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते। सो एवरीवन नोज के मार्केट्स टेंड टू हैव अ मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के बाजार कभी भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा। इट विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग zigzag, zigzag, zigzag। तो अगर ऊपर गया है थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ऊपर गया थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ऊपर गया थोड़ा नीचे आएगा। इवन दो द ओवरऑल ट्रेंड विल बी बुलिश, पूरा ट्रेंड हो सकता है कि बुलिश है, बट स्टिल ऊपर नीचे करते हुए जाएगा। सो सिंस वी आर अपॉर्चुनिस्ट ट्रेडर्स, हम ऑप्शन ट्रेडर है तो वी आर अपॉर्चुनिस्ट, हमेशा हम बाजार में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं जहां पर आप रिवर्सल्स को ट्रेड कर सकते हो, दैट इज की, बिकॉज वेन इट कम्स टू वीकली एक्सपायरीज में रिवर्सल्स ट्रेड करना is the way to go, and not just for indices. अगर आप stocks में भी ट्रेड कर रहे हो, let's say आप stocks में जाकर कोई spreads बनाना चाहते हो option based strategies के साथ, तो this can be used. तो अभी इस चीज को कैसे use करना है, I will explain how to understand. मैं आपको concept समझा दूंगा कि कैसे क्यों ये सब चीजें होती है और इनको आप कैसे आगे जाकर forecast कर सकते हो. तो again it's for educational purposes और आप खुद से इंडिपेंडेंटली जाकर इसको यूज कर पाओगे, ठीक है? सो अगेन आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फॉर पीपल हु डू नॉट नो मी। मेरा नाम वरुण है, क्वांटसैप में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ। सो आई एम प्राइमरली द ट्रेनर हियर एट क्वांटसैप, एंड आज मैं आप लोगों को मीन रिवर्जन को कैसे ट्रेड करना है वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द सपोर्ट हैज बीन ट्रेमेंडस लेटली, आजकल जो आप वीडियोस पर सपोर्ट दिखा रहे हो दैट इज बीन वेरी हेल्पफुल। तो मेक श्योर कि आप वो शेयर करते जा रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स इट्स ऑल फाइन, बिकॉज आई ऑलवेज लुक एट दोज एज अ वे ऑफ इंप्रूविंग माई सेल्फ, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहूंगा। अभी बाजार का मूवमेंट कैसे होता है, अगर मैं एक बुलिश बाजार की बात कर रहा हूं तो बाजार पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, हो सकता है बाजार का ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है बेरिश की तरफ, तो नीचे आएगा थोड़ा ऊपर आएगा, नीचे आएगा थोड़ा ऊपर आएगा, नीचे आएगा थोड़ा ऊपर आएगा, नीचे आएगा। सो दिस इज हाउ मार्केट नॉर्मली बिहेव्स, ठीक है? अभी बाजार यहां पर लोगों ने बाई किया है इसलिए बाजार ऊपर आया, ठीक है? इस पॉइंट पर आने के बाद थोड़े लोग जाकर स्क्वायर ऑफ करने लेंगे या प्रॉफिट बुकिंग करने लेंगे, उस वजह से बाजार फिर नीचे आता है। फिर यहां पर बाजार एक डिप बनाता है, इस डिप को बहुत से लोग एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो फिर से बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर यहां पर लोग थोड़े और स्क्वायर ऑफ करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर यहां पर डिप बनेगा, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बाजार इसीलिए कंटिन्यूअसली बुलिश नहीं रहता है। अगर एक बुलिश सेंटिमेंट रहा, जैसा हमें अभी दिख रहा है एज ऑफ नाउ मार्केट्स आर इन अ बुलिश डायरेक्शन, बट स्टिल ये स्विंग्स आपको देखने मिल रहे हैं। सिमिलरली बेरिश के लिए वही होगा, ऊपर की तरफ सेलर्स आर मच मोर डोमिनेंट, ठीक है? नीचे आया बाजार, यहां पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी देखी और बाइंग करना शुरू कर दिया, माने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। यहां पर बाजार ने टॉप बनाया तो यहां पर लोग फिर से सेल करने को देखेंगे, ठीक है? यहां पर थोड़ा और स्क्वायर ऑफ होगा, यहां पर और थोड़े लोग जाकर सेल करेंगे, फिर से स्क्वायर ऑफ होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर द बेरिश ट्रेंड। तो ये बेरिश ट्रेंड आप जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा चार्ट में भी आप सबको बता देता हूं। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन ऑफ क्वांटसैप और निफ्टी की स्क्रीन में जाकर शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने। तो दिस इज web.quantsapp.com, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द वेब ऐप। सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूं तो मैंने वेब ऐप ओपन किया है, बट अगर आप एंड्रॉइड या iOS पर हो तो वी हैव एन एप्लीकेशन ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, तो आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम द ऐप स्टोर। ओके, तो सिंपली मैं ओपन करना चाहूंगा चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड के अंदर चार्ट्स ओपन कर लीजिए, ठीक है? और चार्ट्स ओपन करने बाद विल जस्ट चेक निफ्टीज, लेट्स से वन डे चार्ट हम देख लेते हैं निफ्टी का। तो ये निफ्टी रोलिंग फ्यूचर्स है बाय द वे, तो यहां पर आपको दिख रहा है, देखिए मार्केट्स आर बुलिश फॉर अ व्हाइल नाउ, ठीक है? काफी टाइम से निफ्टी बुलिश है, बट मार्केट्स आर क्रिएटिंग स्विंग्स, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है? ये क्लियर एग्जांपल है, थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों को ढंग से बता देता हूं, ठीक है? दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ अ बुलिश मार्केट। देखिए बाजार ऊपर गया, यहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से यहां पर डिप पर बाइंग हुई, फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से यहां पर डिप पे बाइंग हुई, फिर से प्रॉफिट बुकिंग, फिर से डिप पे बाइंग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पर अगर मैं सिंपल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि मार्केट का सेंटिमेंट इज बुलिश, ठीक है? देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट बुलिश जा रहा है। अगर मैं यहां से इसको यहां पर पकड़ू,
ठीक है, और एक लाइन को मैं अगर यहां पर पकड़ू, ठीक है, आई विल अप्लाई दिस लाइन हियर एंड आई विल अप्लाई दिस लाइन हियर, ठीक है, एकदम प्रॉपर बॉटम्स पकड़ लेते हैं, देखिए सिमिलर केस में हमें दिख रहा है, राइट। सो मार्केट का ट्रेंड हमें ओवरऑल दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है मार्केट का, बट वी कैन सी देर आर सम स्विंग्स इन द मार्केट। अभी इन स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअल में देखने जाए तो, बिकॉज यहां से बाजार टॉप बनाकर नीचे आएगा, नो वन नोस, यहां से बाजार बॉटम बना के ऊपर आएगा, नो वन नोस, कब तक ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं है, कब तक गिरेगा किसी को पता नहीं है, नो वन नोस, ठीक है। तो इसके लिए वी नीड अ स्मॉल एनालिटिक, एक छोटा सा डेटा पॉइंट हमें लगता है, सो दैट आप इस मीन रिवर्जन को जाकर ट्रेड कर सको, ठीक है। तो व्हाट इज दैट एनालिटिक, दैट एनालिटिक इज नोन एज पुट कॉल रेशियो, PCR। आई शेयर द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन, ठीक है, व्हाइट बोर्ड को शेयर करके PCR मैं सबको समझा दूंगा एक बार, ठीक है। इट्स अ रिलेटिवली सिंपल कंसेप्ट, आई एम श्योर लोगों को ऑलरेडी पता है, बट आई वुड लाइक टू इलेबोरेट इट, ठीक है। तो PCR इज इक्वल टू पुट कॉल रेशियो, ठीक है, पुट कॉल रेशियो, सो इट इज नथिंग बट पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ठीक है। कोई भी पुट का एनालिटिक लेकर, पुट और कॉल का कोई भी एनालिटिक लेकर आप पुट डिवाइड बाय कॉल करो तो यू विल गेट PCR, ठीक है। तो जनरली लोग क्या यूज करते हैं, तो OIPCR यूज करते हैं, जनरली लोग OIPCR यूज करते हैं, तो इट मींस पुट OI डिवाइडेड बाय कॉल OI, ठीक है, पुट OI और कॉल OI को अगर आप डिवाइड करो तो यू गेट पुट कॉल रेशियो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो OIPCR भी बढ़ेगा, अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो OIPCR कम होगा। सो सिंपल अगर मैं आपको समझाने जाऊं इन मैथमेटिकल टर्म्स, तो अगर OIPCR अगर 1 है, दैट मींस पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट इक्वल है, ठीक है। इफ OIPCR इज ग्रेटर देन 1, इफ OIPCR इज ग्रेटर देन 1, व्हाट वुड दैट मीन, अगर OIPCR 1 से ज्यादा है, दैट वुड मीन कि पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट का नंबर बड़ा है, कॉल का नंबर छोटा है, ठीक है, तो इट इज 1 पॉइंट व्हाटएवर व्हाटएवर, तो 1 से बड़ा है, तो दैट वुड मीन कि पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। इफ OIPCR इज ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 1, ठीक है, OIPCR अगर मैं कहूं कि 1 से कम है, इफ इट इज लेस देन 1, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, उस केस में मैं कहूंगा कि कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट, तो बाजार में एक आपको दिख रहा है कि कॉल में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट। अब इसको मार्केट टर्म्स में या मार्केट कहां जाएगा उसके लिए कैसे डिकोड करें, तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है स्पेसिफिकली ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, वो हम किसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ऑल इन ऑल जो ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो ओपन इंटरेस्ट इज व्यूड एज फ्रॉम अ सेलर्स पर्सपेक्टिव, ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हम एक ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स ऑलवेज हैव एन अनडिफाइंड रिस्क एंड लिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। सो जब भी ऑप्शन राइटर पैसा कमाता है तो वो बहुत कम पैसा कमाता है, जितना प्रीमियम वो ले रहा है उतना ही वो पैसा कमाता है, बट जब ऑप्शन राइटर पैसा गंवाता है तो देर इज अ पोटेंशियल दैट ही माइट ब्लो अप हिज एंटायर कैपिटल, पूरा पैसा वो अपना गंवा सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन राइटर का सेंटिमेंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी ऑप्शन राइटर अपने पोजिशन बनाता है तो ही मेक्स देम 10 बार सोच के, 10 बार सोच के ही वो अपने पोजिशन बनाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर OIPCR बढ़ रहा है या अगर PCR 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर ऐसा जरूरी नहीं होता है हर एक PCR का देर इज अ रेंज, ठीक है, बट पकड़ लीजिए अगर PCR राइजिंग है, PCR अगर बढ़ रहा है, दैट वुड मीन के पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल, तो पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है कॉल राइटिंग से, तो बाजार का सेंटिमेंट इज सपोज टू बी बुलिश, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट्स से OIPCR गिर रहा है या OIPCR डिक्रीजिंग है, तो दैट वुड मीन कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से ज्यादा है, तो कॉल ज्यादा बेचे हुए हैं, तो बाजार का सेंटिमेंट फिर बेरिश है, तो दैट इज व्हाट गोज अराउंड इन द मार्केट, ठीक है। ये चीज नॉर्मली PCR के बेसिस पे हम यूज करते हैं, अभी PCR इज नॉट एज सिंपल एज एक के ऊपर अगर PCR गया तो हम फिर जाकर आप बाइंग कर सकते हैं बाजार में या बुलिश ट्रेड्स बना सकते हैं, और अगर PCR 1 से नीचे है तो हम जाकर वहां पर बाजार में शॉर्ट कर सकते हैं या
बेयरिश ट्रेड्स बना सकते हैं। मार्केट्स आर नॉट दैट सिंपल, इतना सिंपल नहीं होता है नॉर्मली, एटलीस्ट पीसीआर को देखकर ट्रेड करना। तो पीसीआर का हर एक स्टॉक का देयर इज अ रेजीम, एक पीसीआर का रेजीम होता है कि पुट कॉल रेशियो कैन नेवर बी ट्रेंडिंग। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, आई विल शेयर द स्क्रीन ऑफ क्वांट्सएप। तो क्वांट्सएप में आप जाकर पीसीआर का टूल ओपन कर सकते हो, यू कैन ओपन पीसीआर। ठीक है, पीसीआर अगर मैं ओपन करूं, पुट कॉल रेशियो अगर मैं ओपन करूं, तो ओआईपीसीआर हिस्टोरिकली बात करते हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा बताना है। लेट्स टेक द डेटा, थोड़ा दूर का डेटा ले लेते हैं, लेट्स टेक द डेटा फ्रॉम डिसंबर 2023। ठीक है, नाउ दिस इज पीसीआर, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, दिस इज पीसीआर, जो ग्रीन लाइन है वो पीसीआर है, जो येलो लाइन है वो फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, थोड़ा और पुराना डेटा अगर मैं देखने जाऊं, लेट्स लुक एट जून 2023 से डेटा। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी, अभी इस केस में अगर आप देखो तो जो येलो लाइन है दैट इज ट्रेंडिंग, येलो लाइन कंटिन्यूअसली ऊपर जाती हुई हमें दिख रही है, तो येलो लाइन इज ट्रेंडिंग, बट जो ग्रीन लाइन है वो रेंज बाउंड है, एक रेंज के अंदर वो मूव होता जा रहा है। ठीक है, तो पीसीआर का भी ऊपर जा रहा है, पीसीआर का भी नीचे आ रहा है, पीसीआर ऊपर जा रहा है, पीसीआर नीचे आ रहा है, पीसीआर ऊपर जा रहा है, पीसीआर नीचे आ रहा है, सो इट्स ऑलवेज रेंज बाउंड, कभी भी यू नो रेंज से बाहर जाता नहीं है। पीसीआर कैन नेवर बी ट्रेंडिंग, आपको नहीं दिखेगा पीसीआर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है या पीसीआर कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है, ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा। पीसीआर इज ऑलवेज रेंज बाउंड, एक रेजीम होता है पुट कॉल रेशियो का, और उस रेजीम के हिसाब से बाजार नॉर्मली मूव करता है। ठीक है, अभी हाउ डू वी डीकोड दिस, तो नॉर्मली अगर आप पीसीआर को देखते हो तो पीसीआर इज used for mean reversion, जैसे अब मुझे दिख रहा है यहां पर PCR ने दो तीन टॉप्स बनाए, यहां पर PCR ने, एक मिनट मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं, I'll draw it for you guys, ठीक है, ओके, तो यहां पर PCR ने एक टॉप बनाया है, यहां पर PCR ने टॉप बनाया है, यहां पर PCR ने टॉप बनाया है, ठीक है, PCR एक सिमिलर टॉप यहां पर बना रहा है, तो what I would normally do, यहां से PCR को रिट्रेस करने के लिए मैं वेट करूंगा कि PCR अगर यहां से नेक्स्ट डे पर गिरता है तो आई विल शॉर्ट द मार्केट। जैसे अगर आप देखो यहां पर पीसीआर वैल्यू क्या था, तो एग्जैक्ट पीसीआर वैल्यू आप यहां पर देख पाओगे, तो इट वॉज 1.518। ठीक है, नेक्स्ट डे पर पीसीआर वैल्यू क्या हुआ, 1.2 हो गए, 1.5 से, तो नेक्स्ट डे पीसीआर ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड, वहां पर बाजार भी स्लाइटली नीचे गिरा, तो उस केस में क्या है, मैं जाकर बाजार को शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से देखिए बाजार नीचे गिरा भी, फिर पीसीआर ने जब बॉटम बनाया, बॉटम से जब पीसीआर ऊपर आया तो बाजार फिर वापस ऊपर आ गया, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। तो पीसीआर का OIPCR मेनली OIPCR का मार्केट के साथ एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, OIPCR का मार्केट के साथ हमेशा एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है फ्यूचर प्राइस के साथ। तो कोई भी स्टॉक ले लो या इंडेक्स देख लो आपको पता चलेगा इट इज ऑलवेज मीन रिवर्टिंग और इट ऑलवेज हैज सेट कोरिलेशन विद द मार्केट। ठीक है, हमेशा मार्केट के साथ कोरिलेट करता है। अभी OIPCR तो हर कोई यूज करता है, लेट्स इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, तो जो नया इंट्रोडक्शन है दैट इज वॉल्यूम पीसीआर। तो वॉल्यूम पीसीआर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल यूज, जो मार्केट वेटरन्स है वही लोग वॉल्यूम पीसीआर को यूज करते हैं, तो उसका फंडा आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर लोग कैसे यूज करते हैं, तो वॉल्यूम पीसीआर को जनरली, सिंस OIPCR हम राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वॉल्यूम पीसीआर को भी हम राइटर के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे। तो अगर मैं यहां पर ऑप्शन चेन ओपन करूं, इफ आई जस्ट ओपन ऑप्शन चेन फॉर अ मिनट, ठीक है, सिंपल तरीके से, ओके, लेट्स लुक एट द ओटीएम स्ट्राइक्स ऑफ कॉल। ठीक है, कॉल साइड के ओटीएम स्ट्राइक्स की तरफ हम ध्यान देंगे, तो यहां पर सर नीचे की तरफ, दीज आर ऑल द कॉल ओटीएम स्ट्राइक्स। ठीक है, जो एट द मनी स्ट्राइक है कॉल ऑप्शन, ठीक है, एट द मनी कॉल ऑप्शन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखने जाओ तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इज एट दिस स्ट्राइक। ठीक है, सो 23,500 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है, हेवीएस्ट कॉल है अगर आप देखने हो जाओ 23,500 के स्ट्राइक पर, 23,500 के स्ट्राइक पर हेवीएस्ट कॉल है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। अभी यहां पर अगर आप देखो सेकेंड रेजिस्टेंस, ये मेजर रेजिस्टेंस मैं कहूंगा 23,500 पर है, बट 24,000 पर अगर आप देखो तो उससे भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, 24,000 पर उससे भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, सिंपल एज दैट। अभी ये ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम 23,500 के स्ट्राइक पर इतना है और 24,000 के स्ट्राइक पर इतना है,
तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है 23,500 के स्ट्राइक पर वॉल्यूम ज्यादा है, 24,000 के स्ट्राइक पर वॉल्यूम कम है। व्हाट डज दैट मीन? ओपन इंटरेस्ट तो 24,000 के स्ट्राइक पर ज्यादा है, तो 23,500 के स्ट्राइक पर वॉल्यूम कैसे ज्यादा हो सकती है? तो फॉर पीपल हु डू नॉट नो, वॉल्यूम इज नथिंग बट कितना एक्चुअल ट्रेड हो चुका है। सो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का सबसे सिंपल डिफरेंस इज ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, ओपन इंटरेस्ट कम होता है, वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होता है, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। ठीक है, सो 23,500 पर वॉल्यूम इतना ज्यादा क्यों है? बिकॉज यहां पर लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते जा रहे हैं, जो राइटर्स हैं वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते जा रहे हैं। तो अब वो लोग, आप मुझे बताइए, अगर बाजार चल रहा है 23,300 पे, 23,500 पे देर इज अ मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पर लोग स्क्वायर ऑफ क्यों कर रहे होंगे, कॉल राइटर्स जाकर स्क्वायर ऑफ क्यों कर रहे हैं यहां पर? मेजरली बिकॉज उनको लग रहा है बाजार यहां से ऊपर जाएगा, तो दे आर शिफ्टिंग देयर पोजीशंस टू अ हायर स्ट्राइक। तो 24,000 के पोजीशन पर वो लोग जाकर अपने पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर आप वहां से और ऊपर की तरफ भी स्ट्राइक्स देखोगे ना, तो वहां पर भी आपको अच्छे खासे वॉल्यूम्स दिखेंगे। Why? Because ऊपर के स्ट्राइक्स पर भी हेज पोजीशंस बनते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम को हम जनरली दो सिनेरियोस में देखते हैं, या तो सेलर्स जाकर, राइटर्स जाकर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, या फिर वो लोग और ज्यादा हेज पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से एक, दोनों का सेंटिमेंट एक ही होगा कि अगर कॉल में मुझे दिख रहा है वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट, तो मैं कहूंगा कि कॉल में स्क्वायर ऑफ ज्यादा हो रहा है या तो हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट हो रही है, तो बाजार का सेंटिमेंट इज बुलिश। ठीक है, सिमिलरली अगर पुट में वॉल्यूम ज्यादा हो रहा होगा एज कंपेयर टू कॉल, तो मैं क्या कहूंगा कि पुट में स्क्वायर ऑफ ज्यादा हो रहा है, पुट ऑप्शन ज्यादा स्क्वायर ऑफ हो रहा है, राइटर्स ज्यादातर पुट ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, और या तो पुट में हेज पोजीशन ज्यादा बन रही है एज कंपेयर टू कॉल, तो बाजार के गिरने के चांसेस ज्यादा है। दैट इज द जनरल आइडिया दैट अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स यूज। तो वॉल्यूम पीसीआर भी यूज होता है, वॉल्यूम के बेसिस पर लोग ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम्स को लोग मद्देनजर रखते हैं और वॉल्यूम पीसीआर को फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो इट्स क्वाइट सिंपल। अभी ओआई पीसीआर हमने क्या कहा था कि अगर ओआई पीसीआर बढ़ रहा है, दैट मीन्स पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो बाजार का सेंटिमेंट इज बुलिश। अगर ओआई पीसीआर गिर रहा है, तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, बाजार सेंटिमेंट बेरिश है। वॉल्यूम्स का उल्टा सेंटिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स पुट में वॉल्यूम ज्यादा है, पुट में वॉल्यूम ज्यादा होंगी, पुट में स्क्वायर ऑफ ज्यादा हो रहा है, पुट में हेज पोजिशन ज्यादा है, तो दैट वुड मीन के बाजार बेरिश सेंटिमेंट में है। ठीक है, वही अगर वॉल्यूम पीसीआर गिर रहा है, तो उस केस में कॉल में हेज पोजीशन ज्यादा है या कॉल में स्क्वायर ऑफ ज्यादा हो रहा है, कॉल में वॉल्यूम ज्यादा है, तो बाजार का बुलिश सेंटिमेंट है। तो इट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड। ओआई पीसीआर पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है फ्यूचर प्राइस या मार्केट के प्राइस के साथ, बट वॉल्यूम पीसीआर इज नेगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, अभी इसको यूज कैसे करें? तो जैसा हमने नॉर्मल ओआई पीसीआर में देखा है, वॉल्यूम पीसीआर ऑल्सो हैज अ मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। वॉल्यूम पीसीआर ऑल्सो हैज अ मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज अगेन सिमिलर टू ओआई पीसीआर, उसका भी एक रेजीम होता है। तो आप सिंपली जाकर पीसीआर अगर सर्च करो, तो आपको वॉल पीसीआर हिस्टोरिकल दिखेगा। तो ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, आप बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स, बट वॉल्यूम पीसीआर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग। वॉल्यूम पीसीआर बहुत से ट्रेडर्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो वॉल्यूम पीसीआर को यूज करने का तरीका यहां पर आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर को यूज करने का तरीका आई विल एक्सप्लेन। वॉल्यूम पीसीआर भी अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों को बताऊं, या यहीं पर देख लीजिए, वॉल्यूम पीसीआर अगेन इज नॉट ट्रेंडिंग। या जो ब्लू लाइन है वो वॉल्यूम पीसीआर है, और जो येलो लाइन है वो फ्यूचर प्राइस है। तो फ्यूचर प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम पीसीआर आपको एक रेंज में दिख रहा है। तो दैट इज द जनरल आइडिया। अभी यहां पर अगर आप देखो, देर आर सम रेड सिग्नल्स, देर आर सम ग्रीन सिग्नल्स। ठीक है, रेड एरोज और ग्रीन एरोज आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉन्सेप्ट सिग्नेचर इंडिकेटर्स। तो ये जो छोटे छोटे एरोज आपको दिख रहे हैं, दे इंडिकेट मीन रिवर्जन। जो वॉल्यूम पीसीआर का मीन रिवर्जन है, इंडिकेटर के जो रिवर्सल पॉइंट्स है, वो ये आपको दिखा कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, इफ आई जस्ट शोकेस दिस, इफ आई एनोटेट दिस, ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम पीसीआर ने एक रीसेंट बॉटम बनाया था। ठीक है, फिर से एक सिमिलर बॉटम यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। इस बार उसने क्या कहा,
उसने कहा कि वॉल्यूम पीसीआर यहां से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर इज अबाउट टू गो अप फ्रॉम हियर, ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर इज अबाउट टू गो अप फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए वॉल्यूम पीसीआर यहां पर ऊपर गया, ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर ऊपर गया और वहां से नीचे की तरफ आया, तो बाजार का सेंटिमेंट क्या होना चाहिए उसके तरफ, बाजार का सेंटिमेंट क्या होना चाहिए, बाजार शुड गो बुलिश वहां से, ठीक है। सिमिलर केस उसने यहां पर भी बताया, ठीक है, सिमिलर केस यहां पर भी बताया, तो यहां से भी इट वॉज सजेस्टिंग कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, तो देखिए वहां से बाजार फिर ऊपर की तरफ गया। तो बेस्ड ऑन द मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉल्यूम पीसीआर, ये आपको बाजार पे एक बायस बताता है। तो अगर ग्रीन एरो है दैट मींस बाजार का बायस इज स्लाइटली बुलिश, अगर रेड एरो है दैट मींस बाजार का बायस इज स्लाइटली बेरिश। अभी यहां पर बाजार का मीन रिवर्जन हमें ट्रेड करना है, तो मीन रिवर्जन ट्रेड करने के लिए आप इस चीज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। जैसे लेट्स से इफ आई जस्ट लुक एट सम हिस्टोरिकल डेटा, थोड़ा पुराना डेटा देख लेते हैं, राइट, आई विल एक्सप्लेन सम थिंग्स इनसाइड हियर, ठीक है। अभी यहां पर देखिए 23rd Jan, ठीक है, एकदम ज्यादा पुराना डेटा भी नहीं देखते, यहां पर चार्ट को इग्नोर कीजिए, लुक एट दिस, ठीक है, 23rd Jan का डेटा। 23rd Jan को इट हैड सजेस्टेड के वॉल्यूम पीसीआर ने एक टॉप बनाया है, ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर ने एक टॉप बनाया है, तो वॉल्यूम पीसीआर वहां से नीचे गिरेगा तो आप मार्केट में एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। तो बाजार था तभी 21200 के आसपास, 21200 के आसपास, और फिर वहां से बाजार गया 21800 तक, ठीक है। तो बाजार का सेंटिमेंट आप देख सकते हो, विद इन अ फ्यू डेज बाजार आ गया 21800 पर, ठीक है, 21800 पर उसने फिर इट सजेस्टेड कि यहां से बाजार फिर गिरने के चांसेस है बेस्ड ऑन द इंडिकेशन ऑफ वॉल्यूम पीसीआर। तो वॉल्यूम पीसीआर ने हो सकता है यहां पर एक बॉटम बनाया था, तो बाजार ने वहां पर फिर एक टॉप बनाया होगा, तो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, ठीक है। उसके पहले यहां पर देखिए, यहां पर उसने मार्केट में शॉर्ट करवाया था, ठीक है, 18 Jan को यहां पर शॉर्ट करवाया था, 21500 का प्राइस था बाजार का, वहां से बाजार आ गया 21200 पर, ठीक है। सो आई विल नॉट से कि हर बार ये एक्यूरेसी के साथ आपको इंडिकेशन देता है, बट इट हैज अ डिसेंट स्ट्राइक रेट, मैं कहूंगा समवेयर अराउंड 60% का स्ट्राइक रेट इसका होता है बेस्ड ऑन द डेटा। बट अगेन ये कोई एडवाइजरी तो है नहीं, इट्स जस्ट सजेस्टिंग द डेटा कि डेटा आपको क्या बता रहा है, बेस्ड ऑन डेटा क्या आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए बाजार को लेकर, तो वो चीज यहां पर आपको वॉल्यूम पीसीआर में देखने मिल रही है। सो लॉट ऑफ टाइम व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड, जब मार्केट्स रेंज बाउंड होते हैं तो उस केस में इट सजेस्ट ऐसे सिग्नल्स, राइट, बैक टू बैक ऐसे सिग्नल्स आते हैं, विच इज फाइन, इट इज समटाइम्स इट कैन हैपन, बट इसको अभी यूज कैसे करना है तो आई विल एक्सप्लेन। तो अगर आप इसको इंडेक्स में यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दिस इन इंडेक्स, तो इंडेक्स में स्ट्रैटेजीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्ट्रैटेजीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्ट्रैटेजीज को इंपॉर्टेंटली क्यों यूज करना है तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, कि स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज करना है। तो वीकली एक्सपायरीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन वीकली एक्सपायरीज में ऑलवेज यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्रेडिट स्प्रेड्स बना रहे हो, ठीक है। क्रेडिट स्प्रेड्स क्यों आप बनाओगे, क्रेडिट स्प्रेड्स जनरली आप इसीलिए बनाते हो बिकॉज इन केस अगर वॉल पीसीआर ने या वॉल्यूम पीसीआर के बेसिस पर आपको एक बुलिश इंडिकेशन आया है, आपने एक बुलिश ट्रेड बनाया, लेट्स से आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, आपने एक नेकेड ऑप्शन बाय कर लिया जाकर कॉल ऑप्शन, और बाजार अगर वहीं का वही रहा, तो उस केस में देयर इज अ चांस ऑफ यू लूजिंग आउट बिकॉज ऑफ थीटा डिके। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू मेक अ सेलिंग हेवी स्ट्रैटेजी वीकली एक्सपायरीज में। क्यों, कैसा है, अगर आप एक डायरेक्शनल क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो, लेट्स से एक बुल पुट स्प्रेड या बेयर कॉल स्प्रेड, तो इट विल कीप यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम थीटा, थीटा से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, एंड उसके अलावा फिर आप जाकर ट्रेड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ टाइम डीके एज वेल, ठीक है। तो टाइम डीके भी आपके फेवर में होगा उस केस में, ठीक है, और डायरेक्शनली भी आपको पैसा बनी रहे, तो दैट इज द केस, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन अ कपल ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इंडेक्स एज वेल एज फॉर स्टॉक्स, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से ओपन करूं आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट इज आर ओन स्ट्रैटेजी बिल्डर, ठीक है, आप सिंपली कोई भी एक बुलिश या बेरिश सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूं, तो बुलिश या बेरिश में देयर इज बुल पुट स्प्रेड,
और बेरिश साइड में देर इज बेयर कॉल स्प्रेड। तो ये दोनों हमारी क्रेडिट स्प्रेड्स है। ये अगर आप स्ट्रैटेजीज वाले टूल में जाओ ना, वी हैव अ टूल नेम्ड स्ट्रैटेजीज, इसमें आपको डायरेक्टली बता देगा। देखिए तो इट विल शो यू द लिमिटेड स्ट्रैटेजीज ओनली, ठीक है। यहां पर बुलिश बेरिश में आपको दिखाएगा, बुल कॉल स्प्रेड है, बियर पुट स्प्रेड है, देन यू नो वी हैव बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, ये सारी चीजें यहां पर है। तो यू कैन लर्न अबाउट दीज थिंग्स, कि आप इस पर क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पर जाकर सीख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या करना है एग्जैक्टली। तो यू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ऑलवेज प्रमोट लर्निंग। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, बट आर्किटेक्ट में आप जाकर फिर बना भी सकते हो। ऑप्शन आर्किटेक्ट में जाकर आप बना पाओगे इस चीज को। तो बुल कॉल स्प्रेड और सॉरी बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड आप जाकर बना सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ वीकली एक्सपायरीज, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज आप करोगे। अगर आप लेट से मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हो, जहां पर 10 DK विल नॉट प्ले अ ह्यूज रोल, ओनली नियर द एक्सपायरी, तो उस केस में अगर आप एक्सपायरी से दूर हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक अच्छा मोमेंटम, तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ फिर डेबिट स्प्रेड्स। तो इट यू स्टिल बी थीटा प्रोटेक्टेड, 10 DK से आप बचे हुए रहोगे, बट ओवरऑल यू हैव द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग डिसेंट रिटर्न्स। डायरेक्शनली अगर बाजार अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो अच्छे रिटर्न्स आप बना पाओगे, ठीक है। सो बुल कॉल स्प्रेड आप यहां पर बना सकते हो, दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड, आप देख सकते हो यहां पर नेट डेबिट है। तो महंगा वाला ऑप्शन बाई करके सस्ता वाला ऑप्शन आप सेल करते हो, तो दैट इज अ डेबिट स्प्रेड, उसको हम बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड कहेंगे बेस्ड ऑन कॉल्स एंड पुट्स। और अगर मैं महंगा वाला ऑप्शन सेल करके सस्ता वाला ऑप्शन अगर मैं बाय करता हूं, तो नाउ आप देखते हो यहां पर क्रेडिट हो जाता है। सो दिस इज अ क्रेडिट स्प्रेड। तो बुल पुट स्प्रेड या बेयर कॉल स्प्रेड बेस्ड ऑन पुट्स एंड कॉल्स आप जाकर फिर बना सकते हो। इस केस में महंगा वाला ऑप्शन आप बेचोगे, सस्ता वाला आप बाय करोगे, तो एक डायरेक्शनल बायस बन जाएगा। और इन केस अगर बाजार वहीं का वहीं एक्सपायर होता है, तो उस केस में यू हैव द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग मनी देयर, ठीक है। वहीं का वहीं अगर बाजार रहा तो 10 DK की वजह से आप फिर पैसा वहां पर बनाओगे। तो ये स्ट्रैटेजीज आप फिर तभी जाकर एग्जीक्यूट करोगे। तो स्टॉक्स में इंडाइसिस में दोनों जगह पर काम आएगा ये। वॉल्यूम पीसीआर को आप जाकर यूज कर सकते हो। देयर इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है दैट इज वोलेटिलिटी पीसीआर, क्योंकि वॉल लिखा हुआ है, तो इट्स नॉट वोलेटिलिटी पीसीआर, इट इज वॉल्यूम पीसीआर। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स, तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट। और स्ट्रैटेजीज मेक श्योर कि आप स्ट्रैटेजीज बेटर बना रहे हो। एंड टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क, अगर आप मुझे पूछते हो, तो जो क्रेडिट स्प्रेड है उसका रिवॉर्ड रिस्क शुड बी 1:1, बिकॉज कैसा है, क्रेडिट स्प्रेड विल गिव यू अ बेटर स्ट्राइक रेट। तो 1:1 रिवॉर्ड रिस्क अगर आप रखते हो क्रेडिट स्प्रेड का, तो क्रेडिट स्प्रेड इज गुड इनफ। और डेबिट स्प्रेड्स में मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एटलीस्ट 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क होना चाहिए। सो 2:1 से बेटर अगर रिवॉर्ड रिस्क आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ डेबिट स्प्रेड्स, देन दैट इज गुड इनफ। तो वो चीज आपको डेफिनेटली यू नो काम आएगी, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक मनी ओवरऑल इटसेल्फ, ठीक है। तो अगेन आई रिकैप वंस, वॉल्यूम पीसीआर इट्स नथिंग बट एन एनालिटिक जिससे आप मीन रिवर्जन को ट्रेड करते हो बाजार के। और मीन रिवर्जन को ट्रेड करने के लिए कॉन्सेप्ट हैज मेड इट सिंपल, जहां पर उन्होंने उनके सिग्नेचर इंडिकेटर्स ऐड किए हैं बेस्ड ऑन द मीन रिवर्जन ऑफ द इंडिकेटर। तो जो वॉल्यूम पीसीआर का डेटा है वो मीन रिवर्टिंग होता है, तो जो इंडिकेटर का टर्निंग पॉइंट होता है उसके बेसिस पर इट गिव्स यू सिग्नल्स बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, कि वॉल पीसीआर अब यहां से गिरने वाला है तो यू कैन गो लॉन्ग ऑन द मार्केट, वॉल पीसीआर यहां से बढ़ने वाला है तो यू कैन गो शॉर्ट ऑन द मार्केट, सिंस इट इज इनवर्सली कोरिलेटेड। वीकली एक्सपायरीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यू ऑलवेज गो फॉर क्रेडिट स्प्रेड्स, अगर आप मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हो तो यू ऑलवेज गो फॉर डेबिट स्प्रेड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो दैट इज इट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विथ मी, ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी आपका फीडबैक है वो आप शेयर कर सकते हो इन द फीडबैक सेक्शन। अगेन मेरा नाम वरुण है, आई होप यू गाइज एंजॉयड। आपका सपोर्ट एज ऑफ नाउ तो बहुत बढ़िया रहा है, तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स है आई ऑलवेज अप्रिशिएट दोस। अगेन आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ, एंड ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।